Subscribe my channel and press bell icon for new video updates. Also like and comment. नमस्कार, मैं शारदा, शारदास किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कटोरी चाट, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसकी रेसिपी जानने के लिए आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। कटोरी चाट के लिए सबसे पहले हमें कटोरी बनाना है, तो इसके लिए मैंने लिया है 2 बाउल मैदा। आप कप से भी मेजरमेंट ले सकते हो, लेकिन उसी से ही सारा मेजरमेंट लेना है। सुपर क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है सूजी 1/2 बाउल, छोटा चम्मच अजवाइन, इससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक। ये इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें ऑयल डालना है 4 टेबलस्पून ऑयल, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरह से गूंद लेना है। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा या पतला भी नहीं बनाना है। ये यहाँ पे मैंने बारीक सूजी ली है, आप चाहे तो मोटा भी ले सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा मिक्सी में बारीक करके लेना है। ये हमारा डो रेडी है, देखिए आप इस तरह से बनना चाहिए। इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है, तब तक हम चाट की तैयारी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है इसमें हमें, 4 बड़े चम्मच प्याज डालना है हमें। इसे हमें हल्का सा भून लेना है, बारीक कटी हरी मिर्च, यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च लिए, आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हो। 4 बड़े चम्मच टमाटर, इसे अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा सा टमाटर को हमें नरम होने देना है। 1 छोटा चम्मच सादा नमक, 1 छोटा चम्मच काला नमक, इससे चाट में हमारे बढ़िया सा स्वाद आता है। 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3 आलू मैंने छोटे छोटे लिए थे, इसे उबाल कर काट कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये उबला हुआ चना, इसे हमें 1 या 2 घंटे के लिए पानी में भिगने के लिए रखना है, और इसे अच्छी तरह से उबाल कर लेना है। ये यहाँ पे मैंने काबुली चना लिया है, आप चाहो तो सफ़ेद मटर भी ले सकते हो, आप अपने चॉइस के अनुसार इन्ग्रीडियंट डाल सकते हो। ये हरा धनिया, 1 टेबलस्पून नींबू रस, अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए हल्का सा पका कर लेना है हमें। इसे गैस को बंद कर देना है हमें। इसमें हमें 2 या 3 चम्मच दही ऐड करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। दही मैंने गैस बंद करने के बाद ही डाला है। 10 मिनट हो चुके, हमें इससे थोड़ा आटा लेना है, एक इसकी लोई बना लेनी है अच्छी तरह से, पूरी से थोड़ी बड़ी और रोटी से थोड़े छोटा, थोड़ा सा मैदा छिड़क लेना है। इसे हमें अच्छी तरह से बेल लेना है, थोड़ा मोटा ही बेल लेना है, ये फूले नहीं इसलिए हमें इसे प्रिक कर देना है। कटोरी चाटे तो कटोरी में नहीं, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की कटोरी ली है। इसे हमें तेल लगा लेना है, इसे ऐसे रख देना है और ऐसे ऊपर से डाल देना है। इसे हमें अच्छी तरह से कटोरी को चिपका देना है। ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हमें हाथ से निकाल लेना है, नहीं तो नाइफ की सहायता से निकाल सकते हैं। इस साइड में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था, इसमें हम थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे। ये थोड़े से बबल आ रहे हैं, तो तेल हमारा परफेक्ट है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये कटोरी को हमें इसमें छोड़ देना है, इसे हमें तेल डालना है, ये आसानी से निकल जाता है। ये देखिए आप, ये बाउल को हमें निकाल लेना है। इसे हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। वाह,
ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसे हमें निकाल लेना है। इस प्रकार मैं सारे कटोरी बना लूँगी। ये देखिए आप कितनी बढ़िया और खस्ता और करारी बन चुकी है, देखिए आप बहुत ही बढ़िया बन चुकी है। कटोरी भी रेडी है और चाट भी रेडी, तो हमें कटोरी चाट बनाना है। ये सभी कटोरी में हमें भर देना है। ये थोड़ा सा प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज नहीं डाला तो भी चलेगा। थोड़ा सा लाल टमाटर, हरा धनिया की चटनी, बहुत ही बढ़िया डिश है ये। इसे बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये खट्टा बनाने के लिए इमली और गुड़ की चटनी, इसकी रेसिपी मैंने पानीपुरी के वीडियो में दिखाई है। इसके लिए आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी मैंने लिंक भेजी है। ये अनार के दाने, ये हरा धनिया की पत्ती, ये सेव, ये ऊपर से थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा नमक, ये ऊपर से दही जो चाट की जान होती है, थोड़ा साइड से भी। तो लीजिए, मुंह में पानी ला देने वाली कटोरी चाट तैयार है। जो खाए वही तारीफ करे। सभी तरह के चाट का मजा एक ही कटोरी में लीजिए। इस प्रकार आप अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने अनुभव में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। इसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया बनी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे डायरेक्टली भी खा सकते हो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।